हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे आप सब आए हो, सब ठीक हो गए? सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे मम्मी नॉर्मली स्टार्ट करते, सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी ये ब्लॉग मतलब हम ये लास्ट ब्लॉग हम लोग का था जो हम नानू के यहाँ पर गए थे ईद में। सो तब के बाद अभी आज हम बना रहे ब्लॉग। सो यहाँ पर अभी मम्मी कुछ तो रेसिपी बना रहे हैं, सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मम्मी रेसिपी बना रही है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल। आज तन्नू ने ब्लॉग स्टार्ट किया और आज तन्नू का स्पेशल बन रहा है पालक। हाँ, और तनवीर बहुत टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले कई बार कट 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 चालू था, तो आज बन रहा है पनीर पालक। तो मैंने तन्नू को भी बोला कि एक सेकेंड ना, थोड़ा शायद ब्लर आ रहा है। हाँ, तो मैंने तन्नू को भी वही कहा कि चल तन्नू इसकी रेसिपी भी दे देते हैं हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वाईटी के। तो जैसे कि मैं बता सकती हूँ, अभी ये मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई लिया है क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल भी एल्यूमिनियम वाली भी ले सकते हो, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे से थोड़ा नॉनस्टिक रहता है, तो अच्छे से मसाला नीचे लगता भी नहीं है, तो इस वजह से लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी गड्डी थी, बहुत बड़ी गड्डी थी, वो पालक की मैंने इधर बॉईल किया है। बॉईल करके हो गया, अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तो तेल यहाँ पे गरम हो रहा है, यहाँ पे मैंने तीन बड़े चम्मच तेल लिए हैं, तो ये अभी गरम हो रहा है स्लो आंच पर। और अभी यहाँ पे दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं, दो तेज पत्ता है, और तेल में हम डालने के लिए यहाँ पर तेज पत्ता, प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अब यहाँ पे एक पेस्ट है जो कि मिस हो गया था, अब मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा पेस्ट है। तो ये मैंने लिया है, इसमें दो टमाटर और कम से कम 4 से 5 काजू और 3 से 4 लहसुन, ऐसे जो लहसुन है यही साइज़ के 4 डाले हैं, एंड थोड़ा सा अदरक, ये करके मैंने इसे पीसा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। अभी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, मेरी पहले की कढ़ाई जो आप देखते होगे जब मैं कुछ बनाती हूँ तो वो थोड़ी यहाँ से ख़राब हो गई थी बिकॉज़ क्योंकि मैंने स्टील का स्पून यूज़ किया है, तो अभी बाबा नया पैन यूज़ कर रही हूँ तो इसमें वुडन वाला ही स्पैटुला यूज़ करूँगी। तो अब मैंने सबसे पहले, अब तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इतना, ये देख सकते हैं एक चम्मच भी नहीं है थोड़ा, तो हम ज़ीरा डाल देंगे और उसी में हम तेज पत्ता डाल देंगे। ये तो क्रैकल हो रहा है, तो वैसे ही हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसे फास्ट नहीं करना है, स्लो ही आंच पे करना है। सब इसे हम सॉटे करेंगे, थोड़ा सा कैरल मतलब एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा पिंकिश कलर आए ना, एकदम कैरामलाइज नहीं करना है, पिंकिश कलर जब आएगा उसी वक्त हम ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। कितना अच्छा लगता है जब आप नए बर्तन में कुछ खाना बनाए तो एकदम स्मूथली स्टर हो रहा है, वरना कढ़ाई को यूं 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 करना पड़ता है। तो खैर, अभी जितने भी अभी मेरे पास नॉनस्टिक के बर्तन रखे हुए हैं तो उसे मैं बहुत अच्छे से केयर करके ही यूज़ करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली कढ़ाई मेरी अंदर से ऐसी हो गई है क्योंकि मैंने उसमें स्टील के स्पून यूज़ किए। ये पैन भी देखिए, ये सब मुझे चेंज करना है, ये देखिए, बट इसमें मसाला अच्छा हो जाता है इसलिए ये वाली भी कढ़ाई अभी सब बर्तन धो के रख दिया है मैंने, और किचन भी अच्छे से पूरा क्लीन किया है। और इसके साथ हमें गर्मा गर्म पराठे डालूंगी, पराठे मतलब प्लेन रोटी वाले पराठे। अब ये जल्दी से थोड़ा पिंकिश हो जाता, हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐड करेंगे नमक, कैमरा ज़्यादा हिलता होगा तो सॉरी फ्रेंड्स। सो नमक अंदाजे से मैंने अभी एक चम्मच लिया था, अगर कम ज़्यादा लगे तो आप बाद में डाल सकते हो।
इसमें बस मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरी पालक पनीर बहुत खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि नया नया बर्तन है तो वो एक अलग ही खुशी रहती है नए बर्तन में बनाने की। अभी हम जैसे ही ये थोड़ा पिंकिश हो जाएगा तो इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो ये हो ही रहा है और नीचे बच्चे मस्त खेल रहे हैं, ये देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने किचन की विंडो में भी एक प्लांट रखा है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है, पता नहीं क्या था उसमें। तो ये बच्चे खेल रहे, वेकेशन स्टार्ट है तो सब अपना मज़ा ले रहे। तनु यहाँ पर कुछ अपनी पढ़ाई, एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस, तनु की राइटिंग मतलब थोड़ा लिखने में तनु अभी, उस दिन तो मुझे ठीक लगा, हमने टाइमर लगाया था इतना इतना टाइम में आपको इतना इतना कंप्लीट करना है। कैमरा ब्लर क्यों दिख रहा है, ब्लर ही दिख रहा है, पता नहीं मुझे थोड़ा सा कैमरा ब्लर ही दिख रहा है। अब ठीक है, आई थिंक लाइट का भी इफेक्ट होता है, ये लाइट बंद है इसलिए। तो क्या ठीक है, मुझे पता नहीं ब्लर ब्लर ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। एक्चुअली ये जो मैंने मोबाइल पे कवर लगाई ना, शायद उसकी स्क्रीन की वजह से हो रहा है। हाँ अभी ठीक है। तो ये भाई साहब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जाते हैं किचन में। हाँ सो ये कलर अभी जो आया है ना, यही कलर सही है, अब हम इसमें मसाला डालते हैं। सो मैंने मसाला डाला है एंड देन उसमें जो थोड़ा लगा हुआ रहता है उसमें भी पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है। अब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसे हम पकने देंगे। और इस पर लीड डाल देंगे थोड़ा, एक सपोज़ एक दो मिनट बहुत हो जाएगा, दो मिनट जैसे ही हो जाएगा फिर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया अच्छा खासा, थोड़ा और कुछ सेकंड रखते हैं। अच्छा ये जो अभी मैंने किया है ये लास्ट में, जब हम पूरा फाइनल होने के बाद जब तड़का देंगे ऊपर से, तो थोड़ा बटर और ऑयल डाल के, तो यहाँ पे मैंने 4 लहसुन जो यहाँ पे थे ये चॉप कर दिए बारीक बारीक, एंड 2 सूखी लाल मिर्च साबुत, इसको तोड़ के रखा है। तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे जो फाइनल तड़का रहेगा। अच्छा इसमें जो ये पेस्ट था एक स्किप हो गया, भूल गई मैं, उसमें टमाटर था एंड मैंने हरी मिर्चें उसमें ऐड कर दी थी। तो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन एंड टमाटर, ये चीज़ें थी, क्योंकि अगर मैं रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी उसमें, मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पालक पनीर ग्रीन में चाहिए, वरना फिर वो थोड़ी रेडिश कलर हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची ऐड कर दी है। सो यहाँ पर मैंने पालक को निकाल दिया ताकि मैं बाहर उसे फ़ैन के नीचे रखूँगी तो जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा, मैं फिर प्योरी बना दूँ। ये पानी फेंक दूँगी, मसाला ये हो गया है, अभी इसमें सूखे मसाले डालती हूँ। तो इसे यहाँ फ़ैन के बस यहाँ पे रख देती हूँ ताकि इसे जल्दी हो जाएगा। बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है मसाले में, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए इतना, ज़्यादा नहीं, हल्दी, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये देखिए 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, बस। बाद में हम उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, वो मैं बताऊंगी कब, अभी इसे पकने देंगे एकदम स्लो आंच पे, थोड़े मसालों को पकने देंगे। बहुत अच्छे से हो रहा है, बस थोड़ा सा मसाला और कुछ सेकंड पक जाए तो हम उसमें पालक की प्यूरी डाल देंगे। अभी आप इस स्टेज में आप देख सकते हो मसाला अच्छा भुन गया है,
तो मैंने क्रश करके कसूरी मेथी डाली है एंड आधा चम्मच गरम मसाला। कसूरी मेथी आप लास्ट में भी थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हो, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। अभी मैं जो ये पालक है इसे पीसती हूँ और फिर इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्रीन कलर आया है और प्यूरी बन चुकी है। अब ये प्यूरी को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो इसमें तो ये तो वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें पानी ऐड करके मैं अच्छे से उसे डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने प्यूरी ऐड किया, लास्ट में जो ग्लास में था वो पानी भी ऐड कर दिया। अभी इसे हल्के से मिक्स करेंगे धीरे से। इसे पकने देंगे धीमी आंच पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी कि मेरा कैमरा ऑन नहीं था और मैं वीडियो निकाल रही थी बेवकूफ़ की तरह और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, बट नहीं हो पा हुआ, कैमरा ऑन ही नहीं था। तो स्टेप यही था कि लास्ट में जब प्यूरी अच्छे से पक जाती है, ऑयल छोड़ देती है, तो उसमें आपको पनीर के क्यूब्स काट के, अब वो डिपेंड करता है आपको स्क्वायर चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, बड़े चाहिए या छोटे चाहिए। तो मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स स्क्वायर में कट किए थे एंड फ्रेश क्रीम जो हमारी घर की मलाई होती है, मैंने घर की मलाई यूज़ की थी और आप चाहे तो अमूल की भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऐड करके नमक टेस्ट करके आप ऐड कर सकते हो उसमें। और फिर से कुछ सेकंड मैंने उसे बॉईल होने दिया एंड उसके बाद ग्रेवी आप पे डिपेंड करती है। आपको अगर रोटी नान के साथ खाना है तो आप थोड़ा थिक रख सकते हो, या आप राइस के साथ खाना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा सा पतला रख सकते हो। तो मैं जैसे हम पराठों के साथ खाने वाले थे तो मैंने थोड़ी थिक रखा था। और उसके बाद जो वो लहसुन और साबुत सूखी लाल मिर्च का जो तड़का था वो मैंने थोड़ा सा बटर और ऑयल में उसको लेके और फिर ऊपर से तड़का दे दिया। तो बस ये चीज़ मेरी मिस हो गई थी, ये चार चीज़ जो कि क्रीम, पनीर एंड जो तड़का था, ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी बट कैमरा ऑन ही नहीं था। तो सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डैट। सो फ्रेंड्स, तन्नू की प्लेट रेडी हो गई है, गर्मा गर्म पराठे मैंने किए और साथ में क्या बोलते तन्नू चलो देखते हैं तन्नू का क्या रिएक्शन है पनीर खा के। गरम है, ध्यान से अच्छा है। फिर से एक और बार रिएक्शन, चलो ठीक है, उसको अच्छा लगा। और क्या चाहिए, दिखाओ एक थंबनेल ले लूँ। सो फ्रेंड्स, एक गड़बड़ हो गई है, मैं जब वीडियो निकाल रही थी तो सारे मसाले वगैरह आप लोग ने लास्ट देखा होगा इस वीडियो में कि ये भी हंस रहे कि पालक की प्यूरी मैंने डाल दी और उसके बाद जब पनीर और क्रीम डालना था तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा ये ऑन नहीं है, वीडियो ऑन ही नहीं था और मैं पागल की तरह बना रही थी। बट कुछ नहीं, जो मसाला आप देख रहे हो इस वीडियो में, तो जो मसाला जब प्यूरी ऐड कर देती, प्यूरी जब अच्छे से थोड़ा सा एक 5 मिनट पकने के बाद उसमें आपको क्रीम और पनीर ऐड करना है। अब वो डिपेंड करता है पनीर के क्यूब्स आपको बड़े रखने या छोटे रखने, ट्राइंगल रखने या स्क्वायर रखने, वो और क्रीम ऐड करना है। तो मैंने घर की मलाई ऐड करी हो, आप चाहे तो अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। बस उसके बाद तो आपने देखा, फिर तनवीर उसको एन्जॉय कर रहे हैं और ये भी आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही तो अभी दूध वो जो होता है मिल्क वो पिया गया। और अभी हम लोग ने ये ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, अब क्या ऑर्डर किए थे मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको बताती हूँ। लो, आपको बता दूँ क्या ऑर्डर किए थे और क्यों ऑर्डर किए थे। और तनवीर वहाँ पे
उसको यहाँ पे बैठ के बोली तो होता नहीं, मैं वहीं बैठ के आराम से अपने वो क्या 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 देखता है वो देख देख के खा रहा है। अब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। दिखाई दे रहा अभी? ठीक है, इससे करो ना उससे जैसे एकदम तो टूट ना जाए। तो हमने ये छोटा सा घर ऑर्डर किया है, स्वीट होम। क्रैक है क्या इधर? नहीं ना, थोड़ा सा है, देखो हल्का सा। तो ये छोटा सा घर आप देख सकते हो। तो ये हमने इसलिए ऑर्डर किया है कि देखो अच्छा है, छोटा सा है। हम लोग की जो ये बेडरूम की विंडो है यहाँ, वहाँ पे एसी का कंप्रेसर है। अब वो एसी के कंप्रेसर में नीचे कहीं होल रहेगा, अब वहाँ पे वो कंप्रेसर के वहाँ पे जाके जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं ना स्पैरो, वो जा जा के घास और सूखी घास झाड़ वाड़ जो झाड़ की पत्ते वत्ते होते हैं, वो अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो जैसे कि आप सभी को पता रहेगा कि वो लोग अपने घर बनाते रहते हैं, नेस्ट बनाते रहते हैं। तो अब बीच में क्या हो गया था कि कूलिंग बंद हो गई थी, एकदम से कूलिंग बंद हो गई थी। और जो कंप्रेसर, जब एसी हम ऑन करते तो कंप्रेसर में से आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ भी नहीं आ रही है, ना पानी गिर रहा है, ना मतलब फ़ैन की आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने कहा कि सर्विसिंग वाले को बुलाना पड़ेगा, तो मैं बोली हाँ सर्विसिंग वाले को। और ऐसा हो गया कि सर्विसिंग वाले को भी बुलाई, तो उस दिन सर्विसिंग वाले ने बोलते ना लटकी दे दिया वो, एक्चुअली वो बेचारा भी कोई रीज़न की वजह से नहीं आ पाया। तो गर्मी तो इतनी हो रही थी, तो मेरी हालत देखने के बाद ये बोलते चल मैं ही खोल के देखता हूँ। तो ऊपर से कंप्रेसर का जब ढक्कन खोले तो अंदर देखते तो पूरे फ़ैन पे जो ये होते हैं ना नेस्ट बनाते वक्त जो क्या क्या थे घास वगैरह, सूखी घास वगैरह, वो सब पूरी लिपटी हुई थी, तो फ़ैन घूमेगा कैसे। तो ये सारा इन्होंने निकाल दिए थे। उसके बाद भी अब क्या हो गया, वो उनका एक अड्डा हो गया, वो जगह बन चुकी है। तो निकालने के बाद भी ना तन्नू नीचे क्रिकेट खेल रहा था, तभी देखा, आवाज़ कम कर तन्नू। तो तन्नू ने जब देखा तो नीचे से वो लोग घास लेके जा के डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जगह बन गई है। तो इन्होंने बोले चल उन लोग के लिए घर मंगा लेते हैं। अब ये घर तो ये देखिए है प्यारा घर, छोटा सा, दो चिड़िया आराम से, मतलब उनके बच्चे बच्चे और एक माँ आराम से जाके बैठ सकती है। अंदर कुछ है देखो, तो ये अभी मंगाए हैं उनके लिए कि बेचारे वो वाइट वेट के हैं अंदर, सो वो बेचारे आराम से फिर अपना घर बना लेंगे, उनको एक घर मिलेगा। अब मैंने इनको यही बोली हूँ, अभी फिर से उसमें घास हो गई है और ना थोड़ी कूलिंग फिर से कम हो गई है। क्या वो टूटा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अच्छा, ये ऐसे स्टैंड भी दिया है कि अगर वो अंदर जाती है अपने घर के अंदर, जो ये घर है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो है ना कॉर्नर एज में वहाँ पे बैठ सकती है और चू चू कर सकती है। तो चलो देखते हैं। अब मैं इनको बोली, उसने वो अड्डा बना लिया, तो पता नहीं ये खिड़की में रखने के बाद भी इसमें जाएगी कि नहीं। तो बोलते कुछ नहीं, जो उसमें की घास है ना वो निकाल के इसमें हम डाल देंगे ना, तो ऑटोमेटिक उन लोग को वो आइडिया आ जाएगा कि यही हमारा घर है। तो देखते हैं चलो इसमें उनका घर बनता है कि नहीं। मंगाया तो है अभी उनके लिए बेचारे, और ये भी मंगाया है। और उनको खाने के लिए ना यहाँ पे ये जो झाड़ के पास आप देख सकते हो ना पीछे, कबूतर और चिड़िया बहुत आते हैं, तो उनके लिए ऐसे दो थोड़ी डिश जैसा सा हैंगिंग वाला वो मंगाई हूँ, तो वो भी आएगा। वो शायद थोड़ा लेट हो गया है। अब ये जब लगाएंगे ना, उसके बाद मैं तुमको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसे लगा है और इसके अंदर वो लोग घर बना रहे कि नहीं बना रहे, वो देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ है। अच्छा तो ये जो है ना यहाँ पे आके बैठेगी,
और यहाँ से अंदर, और उनको हवा के लिए एक सब जगह होल भी है। अच्छा है, चलो अब इसको सेट करेंगे वहाँ पे खिड़की के पास। चलो फिर, सॉरी फ्रेंड्स, वो सिर्फ पनीर का थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो कुछ नहीं, लास्ट स्टेप यही था कि आपको क्रीम डालना है, पनीर डालना है और कुछ नहीं, फिर फाइनल वाला तो मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे ब्लॉग एंड करते तनु, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तनवीर एंड फैमिली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दिखाती हूँ कि ये जब सेट करते उसके बाद वो लोग आ रहे कि नहीं आ रहे उसके अंदर। तो चलो देन, बाय बाय।